पोरबंदर में आरोपी ने शोधवा गेल पोलीसे आरोपी नी पत्नी ने मार मारी परेशान कर्यानो आक्षेप थयो छे। जो के पोलीसे आक्षेप नकार्या छे। पोरबंदर ना वसुंधरा एपार्टमेंट में रहती मीनाबेन प्रफुल्ल दत्ताणी नामनी महिला ने गत रात्रे चक्कर आवता सारवार माटे सिविल हॉस्पिटल खाते खसेड़वामां आवी छे, ज्यांथी तेणे मीडिया ने जणाव्युं हतुं के तेना पति प्रफुल्ल भगवानजी दत्ताणी खंडणी सहितना गुनामां हाल फरार होवाथी तेनी तपास माटे गईकाले बपोरे 1 વાગ્યાના અરસામાં 5 થી 6 પોલીસ અને સાથે એક મહિલા પોલીસ સાદા ડ્રેસમાં તેના ઘરે આવ્યા હતા અને પ્રફુલ્લ ક્યાં છે તેમ કહી ઘરમાં સામાન વેરવિખેર કરી નાખ્યો હતો અને પ્રફુલ્લને તેઓ જ સપોર્ટ કરે છે તેમ કહી મહિલા પોલીસે તેના ગાલે થપ્પડ મારી દીધી હતી। ત્યારબાદ ઘરનો સામાન અને પલંગ વેરવિખેર કરતા પલંગ નીચેથી મોબાઈલ મળી આવ્યો હતો, જેથી પોલીસે તેના પાસવર્ડ પૂછતા મીનાબેને તે અંગે અજાણ હોવાનું જણાવ્યું હતું। આથી તેને હનુમાન ગુફા પોલીસ મથકે લઈ જવાઈ હતી અને ત્યાંથી રાત્રે 8-1 વાગ્યે કીર્તિ મંદિર પોલીસ મથકે લઈ જવાઈ હતી, જ્યાં રાત્રે 11 વાગ્યા સુધી તેને ભૂખી તરસી બેસાડી રાખી હતી, જેથી તેઓને ચક્કર આવતા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર અર્થે પહોંચી હતી। આ અંગે કીર્તિ મંદિર પોલીસ મથકના PI વિજયસિંહ પરમારને પૂછતા તેઓએ જણાવ્યું હતું કે આ આક્ષેપ તદ્દન ખોટા છે। કીર્તિ મંદિર પોલીસ સ્ટાફ ત્યાં ગયો ન હતો। મીનાબેનને નિવેદન લેવા પોલીસ મથકે બોલાવ્યા હતા, પરંતુ તેઓને કોઈ માર મારવામાં આવ્યો ન હોવાનું પણ તેઓએ જણાવ્યું હતું। નિપુલ પોપટ, પોરબંદર ટાઈમ્સ। मीना प्रफुल्ल दत्ताणी, मैं पूना से होकर के मेरा शादी है ना 16 जून को हुआ था, तो उसके वजह से वो प्रफुल्ल जी क्या काम करते क्या नहीं मुझे पता नहीं। तो उस दिन कल क्या हुआ मालूम है क्या, वो लोग है ना प्रफुल्ल की इंक्वायरी के लिए मेरे घर पे आ गए पुलिस लोग वगैरह, मीन्स 1 बजे आ गए। तो 1 बजे आने के बाद में उन्होंने मुझे पूछा प्रफुल्ल कहाँ है, मैं बोल प्रफुल्ल तो नहीं है यहाँ पे, प्रफुल्ल नहीं करके भी उन्होंने अंदर आए घर में आके इधर उधर तोड़ फोड़ वगैरह कर दी और उनका प्रफुल्ल जी का मोबाइल है ना वहाँ पे मिला तो मुझे टॉर्चर करने लगे कि इसका ये जो मोबाइल का पासवर्ड वगैरह है ना तो मुझे बता, बोले सर मुझे पता नहीं इसका पासवर्ड वगैरह, बोले तुम वाइफ हो तो तुमको पता होना चाहिए इसका पासवर्ड वगैरह क्या है करके, बोले सर मुझे पता नहीं तो मैं कैसा बोल दूँ आपको करके। तो उसमें कुछ पोरबंदर वगैरह आई डोंट नो उन्होंने कैसा ये उनका जो है ना पासवर्ड वगैरह वो कैसे निकला मुझे पता नहीं, उसमें कुछ पोरबंदर का कुछ तो था, तो उसको वजह से मुझे बोल रहे कि ये प्रफुल्ल यहाँ पे नहीं तो इसका मतलब क्यों चलाती है, मैं बोली सर मैं क्यों चला, मुझे पासवर्ड पता नहीं तो मैं कैसे चलाऊँगी बराबर क्या नहीं। तो इतना बोला नहीं अरे इस यहाँ पे तो मोबाइल मिला ना तो इसका मतलब तू उसको सोपट करे चल रहे उसको थाने लेके चल कर, वहाँ से 1 बजे से मुझे थाने में लेके कि रही है पुलिस स्टेशन, मैं यहाँ से नहीं हूँ गुजरात से नहीं हूँ, सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था और रात में यहाँ से मुझे 1 बजे से लेके गए तो 11 बजे तो वहाँ पे रखा कुछ खाने पीने के लिए, कुछ किसी ने कुछ बोला नहीं था, तकलीफ हो रहा था ये भी वहाँ पे। जब वो आए थे ना उनके घर पे मेरे तो कांस्टेबल एक लेडीज़ थी उन्होंने मुझे एक थप्पड़ भी मार दिया था सर, यार मैंने ऐसा क्या बड़ा गुनाह किया कि शादी करना क्या गुनाह है क्या मुझे इतना बताओ उसको।